हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैशर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन एंड नॉट इन का यूज़ सब क्वेरीज के अंदर। प्रीवियस वीडियो में मैंने अभी डिस्कस किया कि इन एंड नॉट इन कीवर्ड्स का हम यूज़ करते हैं सीक्वल के अंदर, नॉर्मल क्वेरीज के अंदर हमने देखा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन एंड नॉट इन को हम सब क्वेरी में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डजंट मीन कि इन एंड नॉट इन सिर्फ इसी केस में यूज होती है। आपको सिर्फ इस वीडियो से क्या समझना है कि इन एंड नॉट इन कैसे काम करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि यार इन एंड नॉट इन इस तरीके से काम करते हैं, तो सिनेरियो कोई भी हो सकता है। यहां पर मैं सिनेरियो ले रहा हूं एम्प्लॉई एंड प्रोजेक्ट का। हो सकता है एग्जाम के अंदर गेट में कुछ और सिनेरियो हो, यूजीसी नेट में कुछ और सिनेरियो हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ और सिनेरियो। तो इन एंड नॉट इन जो कि बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इजीली पता लग जाए कि हाँ इस चीज का मतलब ये है और इसका मतलब ये, तो सिनेरियो कोई भी हो, क्वेरी कोई भी हो, आपको सिर्फ उसको यूज करना है। तो इन एंड नॉट इन का हम यूज करने वाले हैं इस क्वेरी के। पहले तो सबसे पहले क्वेरी में बताने वाला हूं कि क्या है। फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉई या एम्प्लॉइज, मोर देन वन वैल्यू भी हो सकती है। फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मतलब उन बंदों का नेम फाइंड करना है, उन एम्प्लॉइज का नेम फाइंड करना है जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसी क्वेरी दिखे, जब भी आपको ऐसी क्वेरी दिखे ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप सबसे पहले एक डमी टेबल लें। एक डमी टेबल से ही आप इस क्वेरी को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपके पास चार ऑप्शंस हो, लेकिन चार ऑप्शंस में भी अगर आपको तीन ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना है और एक को करेक्ट करना है, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उसका यही है कि आप एक डमी टेबल लो। तो मैंने यहां पे दो टेबल्स लिए हैं, इंप्लॉई एंड प्रोजेक्ट। मतलब एक टेबल इंप्लॉई की डिटेल बता रहा है, दूसरा टेबल प्रोजेक्ट की डिटेल बता रहा है, और दोनों में मैंने एक कॉमन एट्रीब्यूट रख दिया इंप्लॉई आईडी। आप इस इंप्लॉई आईडी को, मैंने यहां पे जो कॉमन रखा जो एक्ट कर रहा है एज ए फॉरेन की, आप इस टेबल में पीआईडी को भी रख सकते हो, दैट इज योर विश, दोनों में से कोई भी केस, बट दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए तभी वो रिलेटेड है। अगर दोनों चीजों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो वो हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इसीलिए मैंने एक कॉमन एट्रीब्यूट रखा हुआ है। तो फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉई हु आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं फाइंड कर लूं कि ऐसे कौन से एम्प्लॉई है जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि कौन से एम्प्लॉई किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टेबल में जाओ, प्रोजेक्ट टेबल में इंप्लॉई आईडी है, इंप्लॉई आईडी उन्हीं की लिखी हुई है जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इजीली आपको यहां से मिल जाएगी। लेकिन आपको आउटपुट में क्या दिखाना है, नेम ऑफ द इंप्लॉई, लेकिन नेम ऑफ द इंप्लॉई कहां पड़ा है, इस टेबल में। तो यानी आपको दोनों टेबल्स की जरूरत है। यहां पे ऊपर वाले टेबल से आप नेम निकालोगे और नीचे वाले टेबल से ये पता लगाओगे कि कौन सा बंदा किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई इंप्लॉई अभी ऑन बेंच बैठा है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा, तो मुझे उसकी वैल्यूज को नेग्लेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूं कि कौन सा इंप्लॉई है जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो सिंपल है, सेलेक्ट EID, बिकॉज दोनों में कॉमन क्या है, EID, तो हम EID को लेके कंपेयर करेंगे। तो सेलेक्ट EID फ्रॉम प्रोजेक्ट, सेलेक्ट EID फ्रॉम प्रोजेक्ट। आप यहां पे डिस्टिंक्ट EID भी लिख सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि एक एम्प्लॉई मल्टीपल टेबल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, तो यहां पे मेरा काम जो है वो सिंपल इससे भी हो जाएगा। तो सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट, तो यहां पे मेरे पास आउटपुट क्या आई, सेलेक्ट EID फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये वाली आउटपुट क्या आई, 1534। मतलब ये वो इंप्लॉई है जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर यहां पे लेट्स से कि यहां पे एक और वैल्यू होती 5, मल्टीपल 5 होती, तो यहां पे 5 दो बार प्रिंट हो जाता, तो आप उस चीज को रोकने के लिए यहां पर डिस्टिंक्ट इंप्लॉई आईडी का भी यूज कर सकते हो, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉई आईडी हो जाता। मैंने यहां पे कॉमन सबको एक तरह से यहां पे मैंने नहीं लिया हुआ डेटा, अगर आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, तो डिस्टिंक्ट लगा सकते हो। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉई आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट किया, आउटपुट ये आ गई 1534। अगर आप 1534 को देखो, ये वो बंदे हैं जो किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे 1 IoT के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है,
फाइव बिग डेटा के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, थ्री रिटेल के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एंड फोर एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या एक टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो मेरे पास आ गया आउटपुट, लेकिन एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करवाना है मुझे, आईडी नहीं प्रिंट करानी। अगर आईडी प्रिंट करानी होती तो मेरा क्वेश्चन डन था, मेरा यहां पे क्वेरी जो थी वो खत्म हो जाती। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम पड़ा है यहां, तो आउटर क्वेरी, ये तो हो गई इनर क्वेरी, इसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी। सब क्वेरी में क्या होता है, नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, जैसे नेस्टेड लूप होता है फोर लूप, वैसे ही। तो ये आउटर क्वेरी, जो अंदर लिखी है वो क्या होती है इनर क्वेरी। तो इनर क्वेरी मैंने लिख दी। अब आउटर क्वेरी, आउटर क्वेरी जहां से मेरा फाइनल आउटपुट आएगा, जहां से मेरी फाइनल वैल्यू आएगी। तो फाइनल वैल्यू एम्प्लॉय नेम, तो एट्रीब्यूट का नेम हमने रखा है एम्प्लॉय नेम। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर कंपेयर करवा देते दोनों में कॉमन क्या है, ई आई डी। वेयर ई आई डी इन, दैट्स इट। वेयर ई आई डी इन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम प्रोजेक्ट। अब देखो काम कैसे करती है। जब भी नेस्टेड क्वेरी, अगर मैं बात करूं नेस्टेड क्वेरी की या सब क्वेरी की, तो नेस्टेड क्वेरी हमेशा बॉटम अप, बॉटम अप मतलब सबसे पहले इनर क्वेरी चलेगी। इनर क्वेरी ने आउटपुट दे दी 1534। अब हम आउटर क्वेरी पे आते हैं। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई आई डी, एम्प्लॉय के अंदर ई आई डी निकालो, एम्प्लॉय के अंदर ई आई डी कहां है, ये रही। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, वन, वन इन, यहां पे इन ही आएगा, यहां पे आप इक्वल टू नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर आप इक्वल टू लगाते हो तो इनर क्वेरी एक आउटपुट नहीं दे रही, इनर क्वेरी मल्टीपल वैल्यूज की आउटपुट दे रही है। तो अगर ये इनर क्वेरी एक ही आउटपुट दे रही होती तो आप यहां पे इक्वल टू मजे से लगा सकते थे, लेकिन ड्यू टू मल्टीपल वैल्यूज यहां पे आपको इन ही लगाना पड़ेगा। तो वन इन है इसमें क्या, वन इंक्लूडेड, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, वन इंक्लूडेड है। तो वन के कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय नेम क्या है, आप प्रिंट कर देते हैं, वन के कॉरेस्पॉन्डिंग है रवि। देन टू, एम्प्लॉय आई डी टू, एक एक करके आपको कंपेयर करना है। एम्प्लॉय आई डी टू, क्या टू इंक्लूडेड है इसमें, टू इंक्लूडेड नहीं है, तो टू के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम नहीं आएगा। क्या थ्री इंक्लूडेड है, थ्री इंक्लूडेड यस, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है, नित्र। देन फोर, नेक्स्ट फोर, फोर इंक्लूडेड है इसमें यस, तो फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है, रॉबिन। देन फाइव, क्या फाइव इंक्लूडेड है इसमें, फाइव इंक्लूडेड है, ट्रू, तो फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है, एम। सो दिस विल बी द आउटपुट। सो दिस इज हाउ इन वर्क्स इन द नेस्टेड क्वेरी। तो ये एक सिनेरियो है, एक सिनेरियो हमने पिछली वीडियो में देखा। तो आपको बस यहां से ये कंपेयर करना है कि यार इन हम यूज कहां पे करते हैं, नेस्टेड क्वेरीज के अंदर, और हमेशा एक वैल्यू को मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर करवाना हो तो हम इनका यूज करते हैं। अब साथ के साथ आप नॉट इन भी देख लो, बिकॉज बात एक ही है, नॉट इन, वेयर एम्प्लॉय आई डी नॉट इन, नॉट इक्वल टू, आप कह सकते हो नॉट इक्वल टू या नॉट इंक्लूडेड, वन नॉट इंक्लूडेड फॉल्स, टू नॉट इंक्लूडेड ट्रू, तो टू नॉट इंक्लूडेड इसमें है, नहीं है, तो ट्रू हो गया, तो टू के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम क्या है, वरुण। सो दिस विल बी प्रिंटेड। बट क्या ये कंपैरिजन रोक देगा, नहीं, कंपैरिजन ये पूरा करेगा, हो सकता है लास्ट रो भी मैच ना करे, तो रुकना नहीं है, थ्री से कंपेयर करो, थ्री नॉट इंक्लूडेड, थ्री नॉट इंक्लूडेड फॉल्स, थ्री तो इंक्लूडेड है, फोर नॉट इंक्लूडेड फॉल्स, फोर तो इंक्लूडेड है, फाइव नॉट इंक्लूडेड फॉल्स, फाइव तो इंक्लूडेड है। नाउ द कंपैरिजंस विल बी स्टॉप्ड और फाइनल में आउटपुट क्या आया, वन। सो दिस इज हाउ इन एंड नॉट इन एक्चुअली वर्क्स इन सब क्वेरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, प्लीज शेयर माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू।